गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अज असी करांगे योगा फॉर ग्लोइंग फेस। असी योगा दे नाल अपनी एज नू किवें रिवर्स लेके जा सकते हैं एंड प्लस असी अपने फेस ते ग्लो नू किवें मेनटेन रख सकते हैं। जिदा कि मैं तुसी हुण देख रहे हो, मैं ऑलवेज बिना मेकअप तो ही हुंदी हाँ और स्टिल आई एम विदाउट मेकअप ओनली। सो मैं तुहानू सब नू सिर्फ ये दसना चाहनी हाँ कि अगर असी अपनी जिंदगी विच प्रॉपर एक्सरसाइज नू फॉलो करदे हाँ, प्रॉपर डाइट नू फॉलो करदे हाँ, तो असी सालों साल तक अपने आप नू मेनटेन रख सकते हैं, अपनी स्किन नू मेनटेन रख सकते हैं, अपने हेयर नू, अपनी बॉडी नू, अपनी हर चीज़ नू असी मेनटेन रख सकते हैं। बशर्ते ये कि साड़ी डाइट अच्छी होनी चाहिए है, साड़ी रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए है। सो असी कुछ भी जिंदगी विच चाहिए आप कर सकते। सो कौन कौन रेडी है मेरे नाल लाइव योगा करन दी? योगा की है? योग हुंदा जदों असी साडी बॉडी एंड साडी सोल दोनों कनैक्ट हो जाते हैं और असी अपनी ब्रीदिंग ते फोकस करते हैं और थोड़ी थोड़ी देर लई हर पोज विच असी कुछ कुछ सैकेंड का ब्रेक लैंदे हां, उत्थे स्टे करदे हां, उहनूं असी योगा कहिंदे हां। योगा दे की फायदे हुंदे? योगा दे नाल असी अगर बहुत ज़्यादा साड़ी सैल्फ एसटीम लो हो गई है, असी उन्हों स्ट्रोंग बना सकते हैं, असी उन्हों हाई कर सकते हैं। सानू डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रहिंदा है, सानू डर रहिंदा है एग्जाम्स जो ना फेल हो जाइए, किसी भी रिलेशनशिप नू लैके, बॉडी नू लैके, स्किन नू लैके, सानू जदों भी कोई प्रॉब्लम रहिंदी है, अगर असी योगा करते हैं रेगुलर, साडा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, साड़ी जिहड़ी इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहिंदा है, असी इंटरनली बड़े ज़्यादा स्ट्रोंग बन जाते हैं। एक हुंदा माइंड, एक हुंदी है सोल, एक हुंदी है बॉडी। माइंड, सोल एंड बॉडी नू अगर असी इकट्ठा करिए, इन्हां दा कॉम्बीनेशन बनाइए, तो उन्हें योगा कह सकते हैं। क्योंकि जदों आपां जिम जाते हैं सिर्फ असी अपनी बॉडी लई जिम करके घर वापस आ जाते हैं, बट जदों असी योगा करते हैं उहदे विच साडी ब्रीदिंग, साडी सोल, साडा माइंड, साडी बॉडी, सारिया चीज़ा कनैक्ट हो जाती हैं। जदों सारिया चीज़ा कनैक्ट हो जाएगियां तो ऑटोमैटिकली साडी स्किन ग्लो करेगी, ऑटोमैटिकली असी रिवर्स चले जावांगे, ऑटोमैटिकली असी खुश रहांगे, ऑटोमैटिकली साडी जिंदगी विच, साडे दिल विच, साडे लाइफ विच किसी तरह का कोई भी डर हुंदा है तो हौली 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 जदों आपां स्ट्रोंग ही बन गए तो डर भी निकलना शुरू हो जाएगा। सो अज मैं तुहानूं सारे कुछ छोटे छोटे पोजेज दसांगी योगा दे जो मैं करती हुंदी हां और मैं चाहुंदी हां कि तुसीं भी करो, और सो दैट तुसीं अपने आप नूं माइंड वाइज, बॉडी वाइज एंड सोल वाइज अंदरों इन्ना कु स्ट्रोंग बना लो, इन्ना कु स्ट्रोंग बना लो भी दुनिया की बाहर की कोई भी ताकत थानू वीक ना कर सके। सो रेट स्टार्ट, रेडी हो जी? चलिए इस तो पहला कि आप टाइम वेस्ट करिए, आप शुरू कर दे। सब तो पहला आप जोड़ा मेरा फेवरेट पोज है असी वो करा। सो ये कोशिश करनी कि जो थोड़ा बैलेंस है बॉडी का, हाथों का, हर चीज़ का, वो थोड़ा एक लेवल पे रहना चाहिए, राइट? सो मैं हेडफोन लगाने भूल गई थी, पहला एक लेवल स्ट्रेट रखना है जिसमें मैं बोलना भी घट, बट आप इतने कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कहते सूर्य नमस्कार, एक लत खड़े होना और जी सारी दूसरी लैग है इसको असं इतने ये सारियाँ लैग्स के मसल स्ट्रोंग होंगे, माइंड स्ट्रोंग होंगे, साड़ी सोल कनैक्ट होंगी है बॉडी। कोशिश करो 5 to 10 seconds एक पोजिशन शुरू कर, कोई भी उसी पोजिशन करनी है बड़े आराम आराम करना है एंड ट्राई करना है कि असी सेकेंड तो मेरे को ही थानू इतो ये भी पता चलेगा कि थोड़ी केड़ी लैग वीक है, थोड़ी लैफ्ट लैग वीक है या राइट लैग वीक है। कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस होंगी है, तुम जिन्ने साल प्रैक्टिस करोगे, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्नी देर तुम इतना खड़े हो सकते हो। पहला मैं 1 मिनट तक खड़ी हो जाती सी, पता है तो, क्योंकि हम मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हाँ, हम मैं दोबारा तो योगा की प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ। सो दैट अगेन
अपने सिर्फ साहां ते कॉन्सेंट्रेट करना है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीद आउट। अदर लेग तुसी देखो हौली हौली थोड़े लेग्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਗੋ। कोशिश करा करो जिन्होंने एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड एसिड बनता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है थानू, या थानू होर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपनी बॉडी नू लेके डाइजेशन नू लेके, सो तुसी खाना खा के इस पोजिशन में जरूर बैठा करो। मैं थानू ऑलवेज दसती हूँ, मैं थानू पहला भी दसिया हुआ है, इस पोजिशन के बैठना। बैठ के देखो तो पता चलेगा कि थोड़ी बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिम का कोई भी कर लेता है, योगा करना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर तुम इसे रेगुलर कर रहे हो तो तुम इसे कर सकते हो। मैं खाना खा के 10 तो 15 मिनट इस पोजीशन में बैठती हूँ, सो दैट जोड़ा मेरा खाना एक अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, दूसरा मैं कोई भी एसिड ना बने। जो एसिड ही नहीं बनेगा साड़ा खाना अच्छी तरह सू डाइजस्ट होएगा, थोड़ा लग रहा होएगा कि इतने पेन हो रही है, राइट? कुछ नहीं, ये सिर्फ जिन्नी तुम प्रैक्टिस करोगे, जिन्ने ज़्यादा तुम इस पोजिशन में बैठा करोगे, उन्ने ज़्यादा जी थोड़ी पेन है वो हौली हौली जानी शुरू हो जाएगी। तुम ध्यान भी लगा सकते हो, योगा सानू अंदरों बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग। So this is our second position. Now, child position. आप हर position जो थोड़ी थोड़ी देर रुकांगे, then we'll go to next position, right? छोटे बच्चे ना देखे ना तुसी? तुम्हें की करना है, ये जी मैं तुम्हें दसन जा रही हूँ, दिस इज फॉर द लोअर बैक, जिन्होंने बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तुम पहला अपनी बैक को अंदर ले लो, प्रॉपरली नोटिस करोगे तो थोड़ी जी बैक है उस मसल्स से भी स्ट्रेच हो फील होगा। ਸਾਡੀ ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਮਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ।
एंड इहदे विच फेस ते ग्लो किवें आएगा जदों असीं योगा करदे हां साडा सारा प्रेशर हौली हौली साडे फेस ते आउणा शुरू हो जांदा है जदों फेस ते आउंदा है तां हौली हौली साडे जदों फेस ते ब्लड आ गया ग्लो भी तां अपने आप ही आऊगा ना राइट सो इस पोजिशन में तुसी जिन्ना हो सकता करिया करो इहदे नाल थोड़े फेस ते ग्लो मैक्सिमम होगा ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ थोड़ी देर तुसी जो भी लेट दे पेट के बल से जरूर लेटे रहे हो स्ट्रेच योर दिस पार्ट चिन जिस थोड़ी जी चिन है वो डबल चिन तो सिंगल चिन कन्वर्ट हो गई ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸਕਾਈ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦਾ ਗਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਿੰਪਲਸ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਭ ਘੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਟੰਮੀ ਹੈ ਅਪਰ ਟੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਕੇ ਫਲੈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 to 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ
और जिवें जिवें थोड़ा फील होएगा उदा थोड़े बॉडी पार्ट्स टाइट होंगे जाएंगे. अफकोर्स इतना थोड़े फेस से बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, थोड़ी एज रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, पिंपल्स पिगमेंटेशन सब कुछ हौली हौली जाना शुरू हो जाएगा. बशर्ते तुसी डाइट भी अच्छी लेनी है. ये सब कुछ करने तो बाद अगर थोड़ी डाइट पुअर है तो कुछ भी नहीं असर करेगा. सो ऑलवेज तुसी कुछ भी जिंदगी च करो, डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग. सो लास्ट सेट मैं थोड़ा सिर्फ दो दो तीन दिन सेट करके दिखा रही हूँ, तुसी इन तीन बारी पांच बारी दस बारी अपने हिसाब ना लेकर तुसी कर सकते. सो आई होप तुसी आज दा ये जरा डिफरेंट मेरा सेशन है योगा दा मनु अच्छा लग रहा होगा. सो आप हले होर अगे जा रहे हो क्योंकि हले मैं स्लो 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 प्रोसैस में स्टार्ट करवा रही हूँ. जिन्ना थोड़े तो होंगे जिन्नी तुसी हले आराम ना स्ट्रैचिंग कर सकते हो तुसी ओनी करो. बॉडी है, असी बॉडी नू जिद्दा चाहांगे उदा साडी बॉडी बन जाएगी. तुसी बॉडी नू स्ट्रोंग बनाउणा है, वीक बनाउणा है, किवें बनाउणा है, ये थोड़े अपने हाथ. सो ना नेक्स्ट जदों भी तुसी ध्यान लाउणा है या तुहानू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, आईज क्लोज करके दोनों हाथ दोनों जोड़े साढ़े हैंड्स हैं इन्होंने अपसाइज करके अपवर्ड्स तुसी कॉन्सेंट्रेट करना अपने सोल के उत्ते एंड ब्रीदिंग अपने आते जाते सह देखने उन्होंने नोट करना. थोड़ा जिन्ना मर्जी तुसी परेशान होवो गुस्सा होए थानू तुसी देखियो हौली 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 तुसी शांत होंदे जाओगे. थोड़ा स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रैशन हौली हौली खत्म होता जाएगा. जिते बिंदी लाने ना असं इतने पूरा ध्यान लैके आओ इस पोजिशन दे विच करो मेरे नाल. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, सिर्फ अपने सह के उत्ते फोकस कर. सारिया टेंशनस जाके इस एक्सरसाइज के नाल जिहड़ा साडा सारा ब्लड का फ्लो है साडे फेस के उत्ते आ जाता है.
और तुसी नोटिस करोगे जिवें जिवें थोड़ा पूरा ब्लड फ्लो थोड़े फेस से आएगा थोड़ा फेस ऑटोमैटिकली ग्लो करना शुरू कर देगा। वन मोर टाइम, तुसी ऐदा भी लेके जा सकते हो। जो वापस आना है तुसे जस्ट लाइक दिस आराम 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 लिखा, पर तुसे कोशिश करनी है दिन में एक बारी दो बारी तीन बारी चार बारी पांच बारी यदि प्रैक्टिस करो, जिवें जिवें तुसे प्रैक्टिस करोगे उदा उदा थानू थोड़े फेस से ग्लो बढ़ता जाएगा, थोड़ी एज रिवर्स होती जाएगी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज प्लस योगा। एक देखे ना छोटे बच्चे ऐसा करते होंगे लाइक दिस, दिस आल्सो यू कैन डू, अगेन रिलैक्स। अपने फेस में उन्हीं के कोल लेके आओ, दिस इज ऑल फॉर द फेस लो, तुम देखोगे थोड़े इतने दिमाग में कुछ कुछ फील होना शुरू करेगा, जो तो फील हो रहा है मतलब ब्लड फ्लो थोड़े फेस पे आ रहे। हर एक पोज के बीच तुसी कोशिश करनी है कि तुसी उत्थे रुक सको और उत्थे थोड़े साइड टायर है इतने सारा प्लस इस पार्ट एकदम स्ट्रेचिंग होनी शुरू हो जाएगी और टाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी। एक पोजीशन पे होल्ड करने की कोशिश करनी है तुसे, ये सारिया एक्सरसाइजेस जस्ट फॉर योर फेस ग्लो, जिन्ना ज़्यादा तुम यदि प्रैक्टिस करोगे उन्ना ज़्यादा थोड़ा फेस ग्लोइंग रहेगा ऑलवेज।
हौली हौली थोड़ी सारी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, जितनी सारी बॉडी स्ट्रेच होगी थोड़ी बॉडी फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेचिंग करोगे, योगा करोगे, थोड़ी बॉडी में सारा फैट चला जाएगा और तुम अपनी स्किन देखो। ये तो तुम रोज ही करना, डेली करना, कुछ भी हो जाए। ताकत कर रहे था मेरे ना, जिन्नी ज्यादा तुसी मैं ये वाली जड़ी एक्सरसाइज है इन्हें मैं बचपन तो करते आ रही हूँ, छोटे होंगे मैं आज भी याद है जो तो मैं होश संभालिया सीगा उदो तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। पहला मैं जो छोटी सी मैं सिर्फ इतने तक जा पाती सी, फिर मैं हौली 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 प्रैक्टिस की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तुसी जिंदगी में कुछ भी करना है तुसी सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अज नहीं तो कल वो चीज़ा थोड़े तो क्लीयर होने शुरू हो। This is for you, this part. थोड़ा देखो कि अगर ये वाला करोगे सारा थोड़े मसल स्ट्रेच हो सारे। पर जितना ज्यादा योगा करेंगे ना एक ना यू कैन सी माय फेस, मेरा शायद फेस दे ग्लो दा मेरा सब तो बड़ा सीक्रेट ही है कि मैं योगा स्ट्रेचिंग ये सब एक्सरसाइजेस करती हूं। सो असी नेचुरल चीजें ना अपने आप को ग्लोइंग बना के रख सकिए, क्योंकि थोड़ा सब नूं पता आज दी लाइफ विच कितना ज्यादा स्ट्रेस है और जो तो इस स्ट्रेस है आप स्ट्रेस नूं कितना खत्म करना है जस्ट विद द नेचुरल थिंग्स। सो जिन्नियाँ ज़्यादा आप नैचुरल चीज़ा करांगे, जिन्ना ज़्यादा असी नैचुरल योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, असी ये करांगे तो ऑटोमेटिकली सारिया सारिया चीज़ा ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। थानू कोई भी बीमारी है वड्डी तो वड्डी, कोई भी थानू डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ तुसी योगा जरूर करो, जो मैं थानू आज एक्सरसाइजेस दसी है इनू जरूर करो। सो तुसी अपने आप देखोगे योगा तुसी हफ्ते विच दो बारी तो जरूर करा करो, हौली हौली थोड़ी जिहड़ी स्किन है ग्लो करनी शुरू कर देगी, थोड़ा रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा, पिगमेंटेशन पिंपल सारा कुछ जाना शुरू हो जाएगा थोड़ी बॉडी के विच। सो आई थिंक किसी होर दा हुण कोई सवाल तो नहीं होएगा, सो आई विल टेक अ लीव। सो कल देखते हाँ मैं कि वीडियो के नाल आनी हाँ और मैं किस टॉपिक पर थानू आके दसती हाँ। सो प्लीज़ योगा जिस दिन करना उस दिन एक्सरसाइज नहीं करनी, जिस दिन एक्सरसाइज करनी है उस दिन योगा नहीं करना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एक्सरसाइज नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगा है, योगा साड़े माइंड नू साड़ी बॉडी नू साड़ी सोल नू एकदम। देखो जो मैं शुरू किया से आई वॉज फीलिंग थोड़ी लेजी एंड थोड़ा जहा मैं मतलब सुस्ती जी फील हो रही थी ना, आई एम फीलिंग गुड एकदम रिलैक्सड हो गया, हाले तो मैं मेडिटेशन करनी है। सो बूटी एक्सरसाइज भी लैके आवाँगी मैं नैक्सट वीडियो बूटी तो बनावगी थोड़े दिनों तक। मैं कॉमन डाइट, देर इज़ नो कॉमन डाइट रियल, हर बॉडी की डिफरेंट डाइट होंगी, कॉमन डाइट कुछ भी खा लो फिर
जो तुसी खा सकते हो तुसी वो खा सकते खा लो। बूटी दी हले मैं आफ्टर 3-4 डेज बनावांगी, हले नहीं। कॉमन डाइट, देर इज नो कॉमन सच एज कॉमन डाइट। हाँ जी, जिन्हों का मैं सवेरे 5 बजे मैसेज आएगा, प्लीज़ जिड़िया मेरी भैन ने अपॉइंटमेंट फीस पे की हुई है और सवेरे मैं 4:30 बजे तो लैके 7 बजे तक मैं मैसेज कर सकते हो। आई विल कॉल यू बैक एवरीवन। और 7 बजे तो बाद फिर नैक्सट डे, क्योंकि मैं फिर सारा दिन मैं नहीं फोन के नाल लगी रह सकती, फोन मेरे को होंगे ही नहीं गा। मेरे को सिर्फ सवेरे 4:30 to 7 बजे के आस पास फोन होंगे। सो जिन्हों की अपॉइंटमेंट बुक है प्लीज़ मैं उस टाइम पर कॉन्टैक्ट करो। योगा अर्ली मॉर्निंग करो तो ज़्यादा अच्छा। डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स एनीथिंग इट विल गो विद द योगा। सो जी अज मैं थोड़ा एक्सरसाइजेस दसी हैं, प्लीज़ इस आगे तुम फॉलो करो और फिर देखियो तुम किमें थोड़ी बॉडी एकदम टाइट हो जाएगी। थोड़ा कोई भी मसल है, थोड़ा फेस है, थोड़ी आर्म्स है, थोड़ी लैग्स है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गरीवाल 999। हाँ जी, आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो श्योर फॉर श्योर। सो प्लीज़ जिहड़ा भी मैंने टाइम दिता होंगे ना कि मैं इस टाइम पर लाइव आवांगी, उस टाइम पर प्लीज़ तुम टाइम पर आया करो, सो दैट तुम स्टार्टिंग तो मेरे नाल कंटिन्यू कर सको, क्यों जो तुम नाल करते हो तो थोड़े लिए भी बहुत अच्छा है। तुसी अपॉइंटमेंट लिए मैसेज करोगे तो जनरेटेड ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज आएगा, तो सीधा रिप्लाई करो, दे विल सेंड यू डिटेल्स, फिल करो, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। जो तुसी बहुत ज़्यादा सवाल करोगे कि दो कितना, फिर उधर रिप्लाई आने बंद हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट बुक करो जी। वेरी गुड, किवें रहा थोड़ा रमन एक्सपीरियंस योगा का अज लाइव? योगा इज ऑल टूगैदर, इट्स इज डिफरेंट गेम। बहुत अच्छा होंगे योगा साढ़े स्किन लिए। देखो मैं इन्ना ज़्यादा रिलैक्सड फील हो रहा है ना, एंड जो थोड़ा सारा योगा खत्म हो जाए ना, लास्ट में तुम एक काम जरूर करना लाइक दिस।